हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी वुड बी मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो कि पहली बार माँ बनने जा रही हैं, इन स्पेशली उनके लिए। क्योंकि जब आप सेकंड बार बनते हैं ना, तो आपको खुद आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जो पहली बार माएँ बनती हैं ना, उनके पास अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो, तो कुछ कुछ जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो भी उन्हें एबनॉर्मल लगती हैं, या लगता है कि ये चीज़ सही भी है या नहीं है, क्या करें क्या ना करें, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अपनी इस वीडियो में मिक्स किए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड किए हैं, जो आई थिंक जो पहली बार माँ बनने वाली औरतें हैं, उनको पता होने चाहिए कि क्या चीज़ नॉर्मल होती है और क्या उनको करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये वीडियो पूरा मेरा इफ़र्ट है, जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं उनके लिए, कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिले और आपका जो प्रेगनेंसी टाइम है पूरा अच्छे से बीत जाए, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डबल ईटिंग। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो अधिकतर उसको एडवाइस किया जाता है कि अब तुम्हें एक के लिए नहीं, तुम्हें दो के लिए खाना है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, शुरू का जो 3 महीने होते हैं, उस टाइम पे जो आपका बेबी होता है बहुत छोटा होता है, उसको इतना खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने लिए भी खाएं और एक इंसान के लिए और भी खाएं। आपको क्या करना है, आपको हर 2 घंटे में खाना खाना है, और आप कोशिश करें कि आपको हेल्दी फूड लें। मानती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्रेविंग्स होती हैं अलग अलग फूड्स के लिए, तो वो आप एक लिमिट में लें। अगर आपको लगता है कि हेल्दी है तो अच्छी बात है, आप कितना भी लें, लेकिन मोस्टली जंक फूड होता है या किसी मीठा खाने का ज़्यादा मन होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा लें। ठीक है, तो बस अपनी जो डाइट है उसको ध्यान रखना है कि हेल्दी खाना है और हर 2 घंटे में खाइए। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाइए। एंड यस, जैसे जैसे आपके बेबी का साइज़ बढ़ता जाता है, उस टाइम पे आपकी भूख ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे अब इतना खाना ये खाना है, जितनी भूख लग रही है आप उतना खाइए, ये आपका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एक्सरसाइज। जैसे ही कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको लगता है कि अब उसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कहीं उससे उसके बेबी को नुकसान ना हो। तो देखो, जैसे ही सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, आपको अपने हैंड स्ट्रेच करने हैं या खाना खाने के बाद वॉक करनी है, तो ये तो आप शुरू के महीने से ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती हैं, जो एंटीनेटल एक्सरसाइज होती हैं, जो स्पेशली आपको कमर दर्द के लिए सिखाई जाती हैं, स्ट्रेचिंग सिखाई जाती है कि जिससे आपको लेबर में हेल्प मिलती है, तो वो वाली एक्सरसाइजेज आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से ही आपको पता पड़ेंगे। और उन एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करते हैं जब आपको 4th मंथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो सिंपल सी एक्सरसाइज है उन्हें आप शुरू से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और एंटीनेटल एक्सरसाइज आप 4th मंथ की स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। एंड यस, अगर आपको लगता है 6-7 महीने बीत गए हैं, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, और सडनली आपको किसी और महिला से पता चलता है कि भाई एंटीनेटल एक्सरसाइज भी कोई चीज़ होती है, तो आप एकदम से करने लग जाते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको स्लोली स्लोली ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्ट्रेचिंग पता चली है तो चलो भी मैं एकदम से स्ट्रेचिंग करने लग जाती हूँ। ठीक है, एंड यस, कोशिश कीजिए आप अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में आप एक्टिव रहें। ठीक है, तो ये आपकी जो डिलीवरी है उसमें भी हेल्प करता है। कई फीमेल्स को कमर में दर्द रहने लगता है, तो उस कमर के दर्द से राहत पहुंचाता है। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है मेडिसिन्स वगैरह नहीं ली जाती है, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, कमर दर्द की है, पैरों में दर्द की है, तो कोशिश कीजिए आप एक्सरसाइजेज से अपने आप को इतना परफेक्ट बना के रखें कि आपको ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी के नाम से ही पता है फीमेल्स के माइंड में आ जाता है कि अब उसको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होगी, इससे बचने के लिए क्या करें। तो बहुत सी फीमेल्स कुछ कुछ करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो अपने पेट पर कुछ भी अप्लाई करती हैं ना, कोई क्रीम अप्लाई करती हैं, कोई ऑयल अप्लाई करती हैं, तो वो तब करती हैं जब उनको स्ट्रेच मार्क्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको तभी से ही अपने पेट के ऊपर, जैसे आपको कोकोनट ऑयल हो जाता है, आपका आलमंड ऑयल हो जाता है, एलोवेरा जेल है, तो ये ऑयल लेकर आपको अपने पेट के हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है, जेंटल पूरा, कि आपको स्किन को एक तरह से मॉइस्चराइज करना है, या फिर आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकती हैं। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे आपके यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, आपके बच्चे का साइज़ बढ़ता है, तो जो आपके पेट की जो स्किन होती है वो खिंचना शुरू होती है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती हैं, तो उन स्ट्रेच मार्क्स को आप काफ़ी हद तक कम कर लेती हैं। ठीक है, तो याद रहे, जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं, तभी से आपको अपने पेट पर ये कुछ कुछ चीज़ें लगानी शुरू कर देनी है। वेट नहीं करना है कि कब स्ट्रेच मार्क्स आएंगे और तब मैं लगाऊंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा ब्रेस्ट केयर।
यस, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पता है डिलीवरी होगी, बेबी होगा, तो वो फीड करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, जो आपका निप्पल एरिया होता है वहाँ का भी ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो जैसे जैसे आपका पेट का साइज बढ़ता जाता है, कुछ शरीर ऐसा हो जाता है, कभी कभी थकावट सी लगती है, तो आप अपने ऊपर अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी साफ़ सफाई का आपको ध्यान देना है, क्योंकि बेबी को वहीं से फीड करना है। ठीक है, तो अपनी ब्रेस्ट की साफ़ सफाई का ध्यान रख। नेक्स्ट आपको हो जाता है वेजाइनल केयर, क्योंकि देखो अगर आप पे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वेजाइना से ही बच्चा बाहर निकलता है, और अगर आप वेजाइना की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, वहाँ पर पहले से ही कोई इन्फेक्शन है, तो ये आपके बेबी को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप अपनी ब्रेस्ट की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और साथ साथ अपनी वेजाइना की साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सप्लीमेंट्स या मेडिसन्स अवॉइड करती हैं। एक्चुअली क्या है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके माइंड में ये होता है, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब मुझे कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर कोई गायनी प्रिस्क्राइब करती है ना कोई सप्लीमेंट्स भी, तो आप वो भी नहीं लेते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपकी गायनी जो आपको सप्लीमेंट्स देती हैं, आपको वो ज़रूर लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं कोई दवाई नहीं लेनी है, वो आपके बेबी के लिए जो चीज़ें अच्छी रहती हैं ना, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सप्लीमेंट्स या आयरन टेबलेट्स जो भी देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही देती हैं, तो उनको स्किप नहीं करना है। एंड यस, एक और कंडीशन होती है, जैसे कुछ फीमेल्स को थायराइड होता है ना, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम जो थायराइड की दवाई है वो कंटिन्यू करें या ना करें, तो उनको थायराइड की दवाइयाँ भी लेनी होती, स्किप नहीं करना होता। ठीक है, और वैसे भी जब आप अपनी गायनी को बताएंगे ना कि आपको डायबिटीज़ है या आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो खुद ही वैसे आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको ये दवाई ज़रूर लेनी है, तो आपको फॉलो करना है। ऐसे नहीं है, बहुत सी फीमेल्स अपने में रहती हैं कि नहीं 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 कोई दवाई नहीं लेनी, नहीं, अपनी गायनी को फॉलो कीजिए और दवाई प्रॉपर वे में लीजिए जो जो आपको एडवाइस की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सेंसिटिव नोज़। ये ऐसी वाली चीज़ होती है, मोस्टली फीमेल्स को फेस करना पड़ता है कि उनको खाने की चीज़ों में से स्मेल आने लगती है, स्पेशली जैसे कि आटा होता है, आटे में से स्मेल आती है। तो ना ये चीज़ हर एक औरत के साथ होती है, तो आप ये ना सोचे कि आपको क्या हो गया है। ठीक है, ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको बिल्कुल आप नॉर्मल वे में ले, जो आपका खाने का मन करे वो खाइए, जिसमें से स्मेल आती है वो मत खाइए। ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पर आपका जो पेशाब है वो इकट्ठा होता है, पेशाब की थैली जो आपका बच्चेदानी है ना उससे जस्ट आगे होता है, तो जैसे जैसे आपकी जो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, तो आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये वाली चीज़ ना, जैसे जैसे आपके मंथ आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे आपका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 7वें महीने में, 8वें महीने में, उस टाइम पे तो ऐसे होता है आप उठते हैं यूरिन पास आउट करने के लिए, इतना वॉशरूम तक पहुंचते हैं तो आपका यूरिन लीक हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि आपके बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा है, तो वो उसकी वजह से आपके पेशाब की थैली पर प्रेशर बन के आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लीक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये वाली चीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवलिंग को लेकर। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आती है, मैं 9 महीने के लिए एक जगह बंद गई हूँ, कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, कौन सा मोड ज़्यादा सेफ है, मतलब एरोप्लेन से जाऊँ या फिर ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट के वीक्स होते हैं अराउंड, जो आपका 36 वीक्स होता है, 37, मतलब 36 के बाद वाले जो वीक्स होते हैं, उनमें आप अवॉइड कीजिए कहीं भी ट्रैवल करना। और उसके अलावा आप शुरू में कर सकते हैं ट्रैवलिंग, अनटिल एंड अनलेस जो आपकी गायनी है वो आपको ये नहीं क्लियर कर देते हैं कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हो। ठीक है, कि आपकी जो प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं। एंड सबसे सेफ मोड की बात की जाए तो फ्लाइट का सबसे सेफ मोड होता है, क्योंकि उससे आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वैसे अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस ये है कि अगर लंबी दूरी है ना, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा देर आप एक ही पोजीशन में ना बैठे, आप बीच बीच में उठ के खड़े होइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। एंड ऐसे अगर लंबा सफ़र है तो खुले कपड़े पहनिए और पानी की बोतल साथ में रखिए, पानी वानी पीते रहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल कर सकते हैं, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है फिज़िकल रिलेशंस। तो यस, फीमेल्स इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज रहती हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो क्या वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बना सकती हैं। तो इसमें देखिए, मैं आप वाइस है कि आप थोड़ा सा ना इंतज़ार कीजिए, जब आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है ना,
तो आप उसकी रिपोर्ट आने का वेट कीजिए, क्योंकि उससे फिर क्लियर हो जाता है कि सब कुछ आपके प्रेगनेंसी में ठीक तो है ना। एक कंडीशन होती है प्लासेंटा प्रीविया, तो उसमें अवॉइड किया जाता है कि अब आपको रिलेशंस नहीं बनाने हैं, वो आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो बस आपको पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का वेट करना है। अगर आपके डॉक्टर कह देती हैं सब कुछ ठीक है, तो आप अपने रिलेशंस बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड यस, अगेन कहूँगी कि जो लास्ट के वीक्स हो जाते हैं, 37 वीक्स, 38 वीक, ये जो लास्ट वाले वीक होते हैं, उनमें आप ना करें, रिलेशंस ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कई बार ना जो आपके फिजिकल रिलेशंस होते हैं ना, वो प्री टर्म लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले 2 से 3 हफ्ते आप छोड़ दीजिए, और शुरू में अपने अल्ट्रासाउंड, पहले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने का वेट कर लीजिए बस। ठीक है, पूरी जो प्रेगनेंसी है, जो मंथ है, उसमें आप अपने रिलेशंस बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी प्रेगनेंसी में बीपी लो आता है तो क्या ये नॉर्मल है? तो पता है क्या, प्रेगनेंसी में अगर आपका बीपी लो रहता है ना, थोड़ा बहुत लो रहता है, तो वो चल जाता है, इट्स ओके। बीपी हाई नहीं होना चाहिए, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। बीपी लो तो आप प्रेगनेंसी में देखोगे लो ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिपेशन को लेके। तो यस, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो आपके यूट्रस को रिलैक्स करता है। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो उसको भी रिलैक्स कर देता है। तो उसमें जो बॉवल मूवमेंट्स होते हैं ना, वो नहीं हो पाते हैं प्रॉपर वे में। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में थोड़ा सा आप ऐसा फूड खाइए, हेल्दी खाइए, और जिसमें ज़्यादा फाइबर हो ऐसा फूड खाइए कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर होता है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाती है, इसके लिए आप अपनी गायनी को बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको कोई सिरप लेना हो तो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अदरवाइज़ मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि फेस करनी पड़ती है मोस्टली फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि घर का कौन कौन सा काम कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। देखिए, ये भी आपकी प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप घर के काम कर सकती हैं। देखिए, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है। एंड यस, अपने आप को एक कोई अनस्टेबल पोजीशन में नहीं रखना है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप वेट नहीं उठा रही हैं लेकिन आप सीढ़ी पे चढ़ के कुछ कुछ उतारने की कोशिश कर रही हैं, तो वो पोजीशन आपकी एक अनस्टेबल पोजीशन है, आप गिर जाएं जरासे में, है ना, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो काम आप कर सकती हैं, बस थोड़ा सा एहतियात बरतिए, कोई ऐसा काम नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। एंड यस, कपड़े धोने का मोस्टली फीमेल्स पूछती हैं, कपड़े धोने चाहिए नहीं धोने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप हाथ से धुलते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़े जैसे बेडशीट वगैरह होते हैं इस तरह के, तो ऑब्वियसली उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप अवॉइड कीजिए, जो कपड़ों की बाल्टी होती है भरी हुई उसको उठाना अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बहुत हैवी वजन नहीं उठाना है। ठीक है, मेन चीज़ आपकी ये आ जाती है, और ऐसे ही एक्टिविटी नहीं करनी कि आपको पेट पे जोर पड़े उस एक्टिविटी में। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा 3रा महीना चल रहा है और मेरा पेट अभी तक नहीं दिखाई दिया। तो ये वाली चीज़, यस, जो पहली बार माँ बन रहे होते हैं ना, उनको ये डाउट रहता है। अधिकतर क्या होता है, उनको लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो धीरे धीरे डे बाय डे मेरा पेट का साइज़ बढ़ने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। लेकिन ये आपको शुरू के 4 महीने नहीं दिखता है। जैसे ही आपके 4 महीने कंप्लीट होते हैं, 5वें महीने से आपका पेट धीरे 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 बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वो एकदम से बढ़ता हुआ भी आपको दिखता है। ठीक है, तो शुरू के मंथ में और शुरू के 3 मंथ में तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, कोई दूसरा देख के नहीं बता सकता कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं, एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विक पेन। तो यस, पेल्विक पेन्स होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, ये मोस्टली आपको फेस करना होता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि आपके 7वें 8वें 9वें महीने में। तो उसमें क्या है, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, आसपास के लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, तो लगातार स्ट्रेच होती हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि पेन आगे की तरफ, जो आपका ग्रोइन एरिया है, जो आपका एब्डोमन का लोअर पार्ट होता है, थाइज होती है, बीच में जो ग्रोइन एरिया है ना, वहाँ पर कई बार आपको खिंचाव लगता है, पेन सा लगता है, तो ये आपका पेल्विक पेन हो जाता है इस तरह का। तो ये कुछ कुछ पेन्स आपको बीच बीच में फील होते रहते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, आसपास के स्ट्रक्चर्स खिंचाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। यस, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पेन बहुत देर से हो रहा है, लगातार बना हुआ है, और ये आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो फिर आप ऐसे में अपनी गायनी के पास तुरंत जाइए और दिखाइए कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज एंड डिक्रीज लिबिडो। लिबिडो मीन्स हो जाता है कि अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाने की जो
उत्तेजना होती है, कुछ फीमेल्स में बढ़ जाती है और कुछ में कम हो जाती है। तो देखिए, बढ़ना घटना फीमेल पे डिपेंड करता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उनको लगता है कि कहीं अगर रिलेशंस बनाएंगे तो उनके बेबी को कुछ नुकसान ना हो जाए, तो वो फिर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं। और कुछ फीमेल्स ऐसी हो जाती हैं कि अगर फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाते हैं तो वो और ज़्यादा उनके अंदर और ज़्यादा इच्छा पनपती है कि ऐसे उनको रिलेशंस बनाने चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा नहीं है इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ नॉर्मल है नॉर्मल नहीं। ऐसा मतलब फीमेल टू फीमेल डिफ़र करता है, उनके लाइफ स्टाइल पर भी डिफ़र करता है कि वो कितने रेगुलर थे अपने रिलेशंस में, ठीक है। तो इसमें इतना आपको सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका वाइट डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी होता है, तो ये इसलिए होता है जो आपका वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो एज अ रिजल्ट वाइट डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज ना हो रहा हो, कोई आपको इचिंग, कोई रेडनेस, कोई स्मेल ना आ रही हो, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो बढ़ा हुआ वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर यस, अगर आपको कोई इचिनेस लगती है, स्मेल आती है, तो आपको गायनेको को विजिट करना है, क्योंकि ये कई सिम्टम्स हो जाते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो पता है क्या कुछ फीमेल्स को वॉमिटिंग नहीं होती प्रेगनेंसी में, तो उसमें आपको ये सोचने वाली बात नहीं है कि भाई पता नहीं मैं प्रेगनेंट हूँ भी या नहीं हूँ या सब कुछ नॉर्मल है एबनॉर्मल है, बल्कि पता है कुछ फीमेल्स को वॉमिटिंग ही नहीं, जैसे शरीर में दर्द होते हैं, पैरों में सूजन होते हैं, कमर में दर्द, ऐसे ना कोई भी सिम्टम्स फेस नहीं करने पड़ते, उनका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है बिल्कुल नॉर्मली निकल जाता है। तो आप बहुत लकी हैं, आप ये मत सोचें कि मुझे क्यों नहीं हुआ, नहीं, बल्कि आप लकी हैं कि आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें मस्ट नहीं है कि आपको फेस ही करनी है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचें मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। ये कोई ऐसा साइन नहीं है वॉमिटिंग का कि आपको होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर देन सिजेरियन डिलीवरी। इसके ऊपर हमेशा से रहता है, फीमेल्स ये रहती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो उनको लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन आज के टाइम पर जो मेडिकल साइंस है उसने इतना मतलब इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी होती है ना तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या मेरी सिजेरियन होगी, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है, जो आपके बेबी की पोजीशन होती है, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कैसे करानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको नहीं सोचना है, बस आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है अपने प्रेगनेंसी टाइम पर। लास्ट में चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में रिकवरी अच्छी हो जाती है आज के टाइम में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मत सोचिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर पेन का मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सोती रह गई तो। ये वाला क्वेश्चन मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपको पता है क्या, मतलब फनी भी लगा इंटरेस्टिंग भी लगा। पता है लेबर पेन ऐसे होते हैं, अगर वो शुरू के पेन भी होते हैं ना तो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि अगर आप सो रहे होते हो ना तब आप उठ जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पेन हो रहे हैं और आप सोते रह गए, ऐसे नहीं होता, आप उठ जाओगे। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो पेन कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको नींद आ जाए, दैट मीन्स वो आपका लेबर पेन नहीं है। और जिस पेन में आपको नींद नहीं आ रही है, लगातार हो रहे हैं और आपको लग रहा है आपका डिलीवरी का टाइम भी आ गया है, तो वही आपके लेबर पेन हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मैंने कोशिश की जो मोस्टली फीमेल्स के माइंड में क्वेश्चन होते हैं उनको समराइज करके एक वीडियो बनाया है। और भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।